Hello, good morning everybody. I am here to discuss about the basic science and engineering drawing platform book. दोस्तों मैं यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो आपको रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन के पार्ट टू में फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है जो प्लेटफॉर्म बुक है मैं उसको डिस्कस करूँगा और कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ आप बनाए रखें। हेलो दोस्तों, तो ये मेरा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि जो फर्स्ट स्टेज का पार्ट ई है वो पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें डिस्कस करने वाले हम किसी भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का मूलभूत जानकारी। बात करते हैं कि इसमें एटम परमाणु क्या होता है, तो किसी पदार्थ का बहुत छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। अगर आप कहिएगा कि मुझे हाइड्रोजन के परमाणु दीजिए तो ये मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। H2O का कहिएगा परमाणु दीजिए, जल के परमाणु तो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते। यह मुख्यतः प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अगर बात की जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस किस से बना है? हाइड्रोजन ये क्या मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन एटम ये है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। यदि मुख्यतः प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में भी विद्यमान होते हैं। अगर बात की जाए तो हमारा ये क्या है, हमारा ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, यहीं पे नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है। बात की जाए कि ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, और ये परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है, और इससे क्या होता है, डेंस पार्ट में होता है। परमाणु पर इतने इलेक्ट्रॉन कूलम का आवेश होता है। प्रोटॉन पे देखिए, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है जो माइनस में होता है, और प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन एक किस में होता है, प्लस साइन होता है, तो वहीं लिखा हुआ है कि इतना कूलम होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। देखिए न्यूट्रॉन पे क्या होता है, मास तो होता है न्यूट्रॉन का मास, लेकिन क्या होता है, आवेशहीन होता है। इस पर चार्ज कितना होता है, तो जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है आवेश। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की। देखिए अधिकांश धातुओं का अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए अगर बात की जाए तो धातु हमारे पीरियोडिक टेबल में किधर आते हैं, या तो यहाँ पर आते हैं या तो यहाँ पर आते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इसलिए जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन में मुक्त अधिकांशतः धातु होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक और दो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और यहाँ पे तीन से लेकर आठ तक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो भी मेटल हैं ज़्यादातर यहीं पर है, इसलिए बोला अधिकांश धातुओं का अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है। बोला है कि नाभिक से क्या होता है जी, नाभिक से देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत दूर है, तो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से क्या होता है, फ्री होता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तो क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करता है। तो मूल इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक। तो देखिए यहाँ पे नाभिक के दूर होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है, और जिसके कारण क्या होता है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर मूव करता है। यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखिए हमारे कंडक्टर में क्या होते हैं, इस सरफेस पे होता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे फ्लो करता है, इस पे सरफेस पे ही फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। ठोस धातुओं के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य
में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। अब बात करते हैं चार्ज का। तो ये किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण और विकर्षण का अनुभव करती है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है जी? स्टेट्स कूलम्ब होता है। इसे सी से डिनोट किया जाता है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। देखिए अगर बात की जाए आवेश, तो आवेश किसी भी चीज़ का मात्रक निकालने के लिए उसके लिए पहले फार्मूला रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है आवेश, तो क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का फार्मूला होता है आई इंटू टी। आई क्या है? एम्पियर। एम्पियर टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर मात्रक निकालना है तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे और उससे जो जो भी है बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको क्या करेंगे, उसका मात्रक लिख के हम निकाल सकते हैं। आवेश के लिए धन आवेश ऋण आवेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तु में आवेशित करने के लिए प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। थेल्स के अनुसार ही एक कांच के रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश हो जाता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जाता है कि किस चीज़ ये मेरा पार्टिकल ए है और मेरा बी है, इसको अगर हम एक दूसरे को संपर्क में लाएंगे और रगड़ करेंगे तो कौन सा किस पे चार्ज होगा, ये इस पे कौन सा चार्ज होता है। तो देखिए हमको याद करना है कि जो सॉफ्ट रहेगा उस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। नेगेटिव चार्ज उस पे होता है। और जो हार्ड होगा उस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात ध्यान रखिएगा और इसी कंसेप्ट को यूज कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब आते हैं डिस्कस करते हैं। देखिए अब इसके अनुसार हम आते हैं तो हमारा इस Q इज इक्वल टू एन ए। क्यू क्या है जी? नंबर ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? मान लीजिए कि किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जाता है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें क्या करना पड़ेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन से गुना करना पड़ेगा। दो रहेगा तो दो से गुना कर पाएगा। तीन रहेगा तो तीन इलेक्ट्रॉन से। इसलिए अगर एन रहेगा तो क्या हो जाएगा? एन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना चार्ज क्या हो रहा है? इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है। तो उत्पन्न आवेश क्या हो जाएगा? एन क्या है? त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ का। अगर कूलम्ब्स लॉ, देखिए ये चार्ज पार्टिकल Q1 है, ये चार्ज पार्टिकल Q2 है, इनके बीच अगर का डिस्टेंस अगर r है, अगर पूछा जाएगा कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो भी हो चार्ज, देखिए यहाँ पे चार्ज जो लिखेंगे साइन के साथ लिखेंगे, और ये पूछा जाएगा कि इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला होगा Q1 Q2। ये गलत लिखा हुआ है। Q1, देखिए फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है r2। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r2, जहाँ Q1 Q2 क्या है? चार्ज पार्टिकल और r क्या है? उनके बीच की दूरी है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? देखिए इसके इनके आवेशों का गुणनफल है। देखिए ये क्या है? आवेश का गुणनफल है और उसके बीच की दूरी का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी चीज़ को लिखा हुआ है कि फोर्स क्या है? दोनों चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही फोर्स क्या है? उनके बीच के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फार्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो गया? दोनों के चार्जों के मल्टीप्लिकेशन का, यानी आवेशों का गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच की दूरी का क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। उनके बीच की दूरी का क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगेगा F=K Q1 Q2 / r2, जहाँ के का मान क्या होता है? 1/5 ε। ये क्या होता है? आपको मीडियम पर डिपेंड करता है। हमारे ये मीडियम हवा है या कोई मटेरियल है, तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है, निर्वात के लिए होता है। अगर कोई और मटेरियल रहेगा तो और यूज करेंगे, तो ठीक है। तो के की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लेंगे, बाकी सब हमको याद करने की जरूरत नहीं है। तो के की वैल्यू आती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये किसका वैल्यू आता है? तो ये के का वैल्यू आता है किसमें जी? जब हम निर्वात लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने से यहाँ से कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया। इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है जी? देखिए हम विद्युतवाहक बल की बात कर रहे हैं। देखिए विद्युतवाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ये क्या होता है? हमारे बैटरी द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत बल कहते हैं। सिंपल ज़्यादा मत सोचिए, इसमें तो बहुत सारा बात लिखा हुआ है। किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं।
बल्क होते हैं। यह बैटरी सेल से जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। बोला बैटरी से या जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे भी चीज नोट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी वी वोल्ट होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज हटा के जो भी वोल्टेज आएगा उसकी इसके सिरे पे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलना होगा तो क्या करेंगे? इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़ के, इसका जो है इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़ के बाकी जो भी वोल्टेज इसके द्वारा जो वोल्टेज क्रिएट किया जाएगा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। बस यही फर्क है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। बात की जाए पोटेंशियल में, देखिए एकांक आवेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इन सबको अनंत से यानी बहुत दूर है, इसको लाने के लिए कहाँ? विद्युत क्षेत्र में रही है। विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया काम है, एक चार्ज यहाँ से उठाते हैं, एक कूलम का चार्ज उठाते हैं और उसको यहाँ तक लाने में जो काम किया गया उसको क्या बोलते हैं? तो विभव बोलते हैं। इसी विभव को भी बराबर क्या हो जाएगा? W/Q यानी एकांक यूनिट। देखिए अगर आपको पर केजी से डिवाइड करना होता तो रुपया पर केजी से डिवाइड करते हैं, इसीलिए आपने वर्क को किसे डिवाइड किया? चार्ज से किया। तो यानी पर चार्ज होगा कि नहीं, एकांक चार्ज के लिए होगा कि नहीं, जो वर्क किया उसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज बोलेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम होता है, या इसको वोल्ट भी डिनोट करते हैं। बात करी जाए पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभव में कुछ अंतर पैदा होता है, इसे विभवांतर कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर करंट पास हो रहा है इस सर्किट में, बहुत सारे हैं एलिमेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर हीटर, तो इसके बीच जो भी वोल्टेज का डिफरेंस होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। जो भी यहाँ पर वोल्टेज गैप होगा, अगर यहाँ मान लीजिए 3 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 2 वोल्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, EMF का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है EMF किसका होता है? किसी भी सोर्स का होता है, EMF नहीं होता। धारा प्रवाह शून्य होने पे भी EMF क्या रहेगा? जैसे बैटरी में अगर 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट ही रहेगा, वो ऐसा नहीं होगा 0 हो जाएगा। लेकिन परिपथ में अगर धारा का मान शून्य हो जाए, जैसे इस परिपथ में अगर मान लीजिए धारा का मान अगर शून्य हो जाता तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता? 0 हो जाता। इसी बात को लिखा गया, परिपथ में धारा का प्रवाह अगर शून्य हो जाए तो विभवांतर का मान शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर कोई EMF का मान कभी शून्य नहीं होगा, क्योंकि EMF किस पर डिपेंड करता है? जनरेटर पर डिपेंड करता है, सोर्स पर डिपेंड करता है। आते हैं अगला, तो देखिए इन दोनों पे बात की जाए, अभी तो थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, कोई भी देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है थोड़ी सी बोरिंग लगती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो कृपया इन जब तक ये 1-2 लेक्चर नहीं निकल जाता, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो प्लीज़ शांति बनाए रखें और समझने की कोशिश करें। बात है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, ये क्या है? नेगेटिव है, या इसको नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मैग्नेट में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी होता है हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स प्लस कहाँ से आता है? N से साउथ आता है। बाहर की बात की जा रही है, ये मैग्नेट है तो बाहर की बात की जा रही है, कहाँ जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव ऐसे आएगा। अब बात की जाएगी, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव तो ये आ रहा है, तो फिर से तो घूम कैसे जा रहा है? लेकिन ये क्या है? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा। तो विद्युत इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ये किसी भी आवेश और आवेशों के चारों ओर एक क्षेत्र होता है और जिसमें दूसरा कोई आवेश आने पर, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके क्षेत्र में, यहाँ इतना मान लीजिए इसका क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बीच अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? आने पे एक बल का अनुभव करेगा, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या करता है? देखिए अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो एक कोई ना कोई बल का अनुभव हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यही जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सघन विद्युत क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युत क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, देखिए ये जो लाइन था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स था। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने के लिए बल रेखाएँ, देखिए इसके चारों ओर विद्युत, हमको क्या दिखाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिखाना है। तो हम क्या कहेंगे? बल रेखाएँ, विद्युतीय बल रेखाएँ को सूचित करते हैं। ये क्या होती है? काल्पनिक होती है, कोई रियल नहीं होता है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताए, तो हम क्या करेंगे? इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस डायरेक्शन में है। विद्युत बल रेखाओं का गुण इसी को बोल रहा है। विद्युत रेखाएँ बल धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। ये रेखाएँ एक दूसरे को नहीं काटती है, देखिए ये रेखाएँ एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र
कि दो दिशाएं होगी। अगर मान लीजिए ऐसा काटता है, दो लाइन काट देता है, दो लाइन ऐसा काट देता है, इसका परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो ये दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्यू आवेश पर एफ बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी आवेश चार्ज है उस पर बल कितना लगा, एफ लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू हो जाएगा। अब देखिए एफ का क्या होता है, न्यूटन यूनिट होता है, की का क्या होता है, क्यू का क्या होता है, कूलाम होता है, तो न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगा, ऐसे ही मात्रक हो जाएगा। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। यह एक सदिश रहती है, ये क्या है जी, फोर्स क्या है, वेक्टर है, ई भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है क्योंकि इसके अंदर का माध्यम हवा होता है, इसलिए बिजली चमकते समय कार के शीशे और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। देखिए कोई भी एक खोखला चीज़ है तो इसका चार्ज कहाँ होगा जी, इस सिलेंडर पर होगा ना, तो इसके अंदर तो चार्ज होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो कार वगैरह होता है उसमें भी क्या होता है कि इसके शीशे बंद कर लिए जाते हैं तो क्या हो जाता है, चार्ज तो बाहर ही रह गया तो चार्ज तो अंदर आया नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जिससे हमको नुकसान नहीं पहुंचेगा। यही बोल रहा है क्योंकि उसके अंदर के माध्यम हवा होता है, इसलिए बिजली चमकते समय कार की खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। साबुन के बुलबुले को ध्वनि या ऋण आवेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता है। देखिए साबुन के बुलबुले में अगर क्या है जी, अब फूकते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल उसको अगल बगल मिलता है तो उसका साइज क्या होता है, घटता या बढ़ता है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट की बात की जाए, किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पदार्थ में, किसी तत्व पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या चार्ज की प्रवाह को बोले, ठीक ना, क्योंकि हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल में हम केवल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को लेते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो वहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों आते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है या चार्ज बोलें, तो इसलिए हमें सावधान देना है कि हमें चार्ज बोलना चाहिए। तो चार्ज के प्रवाह को क्या बोलते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, तो करेंट बोलते हैं। आवेश पर यूनिट टाइम, अगर टाइम से भागा देते हैं तो क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई टी, इसी फॉर्मूले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ये फार्मूला इधर उधर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बात की जाए तो यहाँ से देखिए आपका टॉपिक अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर आपको इसमें लगता है कहीं डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो ये नहीं समझते हैं कि पार्ट ए जो है हमारा स्कोरिंग है और वो यूट्यूब पे पढ़ाए जा रहे पार्ट बी में जो मेरिट स्कोर नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चे ज़्यादातर को ध्यान आप पार्ट ए पर दें और अपना अच्छा स्कोर करें, क्योंकि आपको कौन सा जॉब मिलेगा यही डिसाइड करेगा। तो बताइए अच्छे पोस्ट लाने हैं तो इसी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप मेहनत करते हो बी पे नंबर, वहाँ पे देखिए वहाँ पे आपको केवल 28 नंबर लाने हैं, पासिंग करने के लिए क्या लाना है, 28 नंबर लाने हैं। 28 की जगह आप अगर 40 लाते हैं या 75 लाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, 28 वाला भी उतना ही वैल्यू है, 75 वाला का भी उतना ही वैल्यू है, 40 वाला का भी उतना ही वैल्यू है। क्वेश्चन का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये 35% का मतलब हुआ 28 क्वेश्चन। तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़रूर लाइए, अगर देखिए तो अगर तुक्का भी मारा जाएगा ना तो 75 में से 28 क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। बात करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्ट ए पे आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको मेरिट बनाएगा और स्कोर बनाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो पार्ट में डाउट लगे तो उसको फिर से बोले, मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। इसका ऐसा ही मात्रक देखिए क्या होता है, कूलम पर सेकंड होगा, कूलम पर सेकंड को क्या से डिनोट करते हैं, तो एम्पियर से डिनोट करते हैं, एम्पियर होता है। और इसको नोटेशन क्या होता है, तो ये होता है कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगर किसी बिंदु से एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित की जाए तो विद्युत धारा का मानवन एम्पियर होता है। देखिए ये बोला जा रहा है कि किसी भी मान लीजिए कितने मान लेते हैं नंबर इलेक्ट्रॉन एन है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है था जी, और उस क्या हो जाए एक कूलाम हो जाए, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक कूलाम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इधर आ जाएगा ई वन अपॉन ई का इलेक्ट्रॉन पर चार्ज करता है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6.28 × 10⁻¹⁸। ये 5 भी आता है,
उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अप्रोक्सीमेशन देख लीजिएगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पास करेंगे तो एक कूलम का क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान होता है। देखिए विद्युत धारा जो होती है उसका वेग क्या होता है, प्रकाश के समान माना जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्या है, वेव है। इलेक्ट्रिक भी क्या है, वेव है, इसलिए इसका भी क्या होता है, जो जिस चीज़ भी पार्टिकल का स्पीड वेव के बराबर मानते हैं उसका स्पीड क्या होता है, 3×10⁸ होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि, देखिए विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है, देखिए क्योंकि यही करंट यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए इसी परिपथ में करंट का डायरेक्शन इधर है, इसी परिपथ में करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी थोड़े ना है, बताइए इधर डायरेक्शन इधर बता रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, ये अदिश राशि हो जाता है। ये सदिश राशि को जोड़ के नियम का पालन नहीं करेगा, जब अदिश है तो सदिश के जोड़ का नियम पालन नहीं करेगा। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। देखिए कभी भी अगर क्लोज सर्किट नहीं रहेगा तो करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बंद परिपथ में विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। देखिए अगर बात की जाए कि अगर यही मेरा सर्किट है, देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 ओम का है, यहाँ पे 32 ओम का रजिस्टर है, 32 ओम का रजिस्टर है, देखिए तो ये क्या है, 16 गुना करंट इधर आएगा। देखिए इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:60, तो देखिए 16 गुना के एम्पियर का करंट इधर पास करेगा और 1 एम्पियर का करंट इधर पास होगा। टोटल अगर 17 एम्पियर है तो 1 एम्पियर इधर से पास होगा और 16 एम्पियर इधर से पास होगा। तो ही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। तो देखिए यही अगर रेशियो और भी बड़ा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भी इसमें नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसमें सारा का सारा करंट पास होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। इलेक्ट्रॉन का भाव हमेशा ऋण वस्तुओं से देखिए अब बात किया जाता है कि ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो कहाँ होगा, तो ऋण निगेटिव वस्तु पे होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, तो क्या हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा जो होगा वहीं पर चार्ज करेगा। अब बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है, उसको क्या मानते हैं, करंट का डायरेक्शन मानते हैं। जो क्या होता है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ओम का नियम, चलिए अब अगला टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम में क्या होता है जी, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। कभी देखिए आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, भी होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भी जितना बढ़ाइएगा, जितना वोल्टेज बढ़ाएगा उतना क्या होता है, करंट बढ़ेगा। तो भी एक, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो क्या होता है उसका वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसलिए भी बराबर आई आर, ये क्या हो गया, ओम्स का नियम हो गया। यहाँ से आर का भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, भी बाई आई होता है, ठीक है जी। तो यहाँ आर बराबर क्या हो गया, भी बाई आई। देखिए अब अगर आर का अगर कोई यूनिट निकालना चाहे तो क्या है, भी का क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको भी से डिनोट करते हैं। आई का क्या होता है, एम्पियर से डिनोट करते हैं। तो भी आई क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसको ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो देखिए ओम होता है, इसको नोटेशन ऐसे ओम लिखा जाता है। अगर बात की जाए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, जहाँ ए क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ है, लंबाई है, एरिया क्या है, क्षेत्रफल है। तो रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है जी, रेजिस्टिविटी क्या होता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस चीज़ से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। एल क्या है, उसके लंबाई पर डिपेंड करेगा, उसका एरिया कितना है। जैसे अगर मान लीजिए ए मेरा रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो इसका क्या है, लंबाई एल है, ऐसा सिलेंडर है, इसका लंबाई क्या है, एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ये एरिया है, ठीक है ना। ये किस मटेरियल से बना है इस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए सिल्वर से बना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अगर लकड़ी का बना होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स डिनोट करते हैं। अब बात की जाए टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, किसमें जी, कंडक्टर में। लेकिन यही सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर में उल्टा हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाता है जी। इस बात को ध्यान रखें, एक कंडक्टर में होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ें।
किसी को लग रहा होगा कि मेरा स्पीड बहुत फास्ट है, तो प्लीज़ बच्चे इससे ज़्यादा स्लो सिलेबस नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि देखिए आपको 1 से 2 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है और आपको ये मेरिट बेस एग्ज़ाम है और इस पर सभी लड़कों का नज़र है। और आप यूट्यूब के बहुत सारे चैनल पर जो आपको ये दिखाया जा रहा है तो ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं। किस पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं? तो सेकंड पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ पार्टी पे, ताकि बच्चों का भला हो सके। देखिए आप भी सोचिए कि आपको क्या करना है, ज़्यादा आप पार्ट ई पे ही ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध संधारित पर चलिए नोट में क्या लिखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस संधारित मन कैपेसिटेंस प्रकृति मन इंडक्टर पर ही ओम लॉ लागू होता है। देखिए ओम्स का लॉ इन सभी पे होता है, आरएल सर्किट पे होता है, आपको लिखेगा कभी कभी आर लिखेगा, कभी सी लिखेगा, आरसी सर्किट, सीएल सर्किट, कभी आरएलसी सर्किट, कभी सीएल सर्किट, तो इन सब पे क्या होता है, ओम का लॉ लागू होता है। ओम का लॉ वहाँ पे लागू नहीं होता है जहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका बल्ब है, तो बल्ब में क्या है जी, हीट जनरेट हो जाता है, तो वहाँ पर ओम्स का लॉ फेल हो जाता है। या सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन कौन सा आता है, सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा आता है, तो आपको डायोड आता है, डायोड आता है, ट्रांजिस्टर आता है, ट्रांजिस्टर आता है, तो इस सब मटेरियल पे क्या होता है, आपका ओम का नियम नहीं पालन होता है, क्योंकि ओम का नियम कभी भी कंडक्टर में नहीं होगा। तो ओम के नियम रेखीय और द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। देखिए ओम का नियम क्या होता है, वी प्रोपोर्शनल टू आई, करंट जब बढ़ेगा एसी में बढ़ेगा तो भी वोल्टेज बढ़ेगा। अगर लेकिन हाँ ओम का लॉ वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आई आरएमएस हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, आई आरएमएस होता है। यहाँ पे आई क्या है, एवरेज है, आई एवरेज है, तो यही सब बात है। लेकिन ओम लॉ वहाँ पे भी लगेगा, एसी में भी लगेगा, डीसी में भी लगेगा। एसी के लिए सिर्फ आर के स्थान पर प्रतिबाधा जेड हो जाता है, समझे, आर की जगह क्या हो जाएगा वहाँ पर जेड हो जाएगा, आई की आई एवरेज जगह क्या हो जाएगा, आई आरएमएस हो जाएगा। तो यही है। और ओम देखिए भी बराबर क्या था, भी बराबर आई था, ये मान लीजिए मेरा भी एक्सिस है, ये मेरा क्या है, आई एक्सिस है, ये मेरा भी एक्सिस है। तो आपने पढ़ा है वाई बराबर एम सी, वाई बराबर एम एक्स की लाइन किस से होता है, ऐसा लाइन होता है। तो वाई मेरा क्या हो जाएगा, भी आर, और ये क्या हो जाएगा, आई। तो देखिए ये मेरा भी है, ये मेरा आई है, ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी आई कर्म में, वी आई कर्म में ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है, तो कैसा होता है जी, स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि देखिए और इस पोर्शन पे इतना ज़्यादा मेहनत करें, इतना ज़्यादा मेहनत करें कि लगे कि हाँ एग्ज़ाम में भी रिजल्ट आने के बाद आप पूरी तरह खुश हो जाएँ। तो यही है, जितना ज़्यादा फोकस कीजिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा और उतना अच्छा आपका मेरिट बनेगा। मेरिट बेस स्कोर एग्ज़ाम है, प्लीज़ ध्यान दिए। अगर आप इसको 4 घंटा पढ़ते हैं, उसको 1 घंटा भी पढ़ते हैं, तो भी बहुत सफिशियंट है। मैं इतना रेशियो बना के रखिए, क्योंकि 4 गुना 5 गुना 6 गुना भी पढ़ना पड़ेगा पार्टी को। देखिए और इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट है, फिर से उधर इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंटेशन है, डिवाइस की नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, फिर से आपको सेफ्टी वगैरह का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक उतना ज़्यादा लेंदी दिखा रखा है, लेकिन है नहीं। लेकिन आपको अपन सिलेबस में देखिएगा तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत छोटा है वर्ड लिखा हुआ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। न्यूमेरिकल आपको यहाँ से भी बन सकता है, थियोरेटिकल भी क्वेश्चन बनेगा, और यहीं से लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा। मैं ये कह सकता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी जो है डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा किसी भी स्टूडेंट का रैंकिंग डिसाइड करने में। तो प्लीज़ इस पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। इसमें आपको भी पता है कि पीछे जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को आप लगाएं, अटेम्प्ट करें, और ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ज़्यादा है, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत छोटा टॉपिक है, जबकि क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा दिया गया है, और यही रीज़न है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेज हैं, और यही क्वेश्चन आपको मेरिट भी बनाएगा, स्कोर बनाएगी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, जब भी आप सिलेबस में देखेंगे तो एक लाइन में इसे डिनोट किया गया है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। आप लोग भी अपने दोस्तों को ये सजेस्ट करें, ये वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।